prove that sin4a is equal to 4 sin a into cos cube a minus 4 cos a into sin of cube a. So let's see how we will solve this problem. तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है विच इज एक्चुअली साइन 4a और आपको प्रूफ करना है कि ये डाटा राइट हैंड वाले एक्सप्रेशन के इक्वल आएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज करने जा रहा हूँ विच इज एक्चुअली साइन ऑफ 2a विच इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस ऑफ a के. तो गिविन साइन 4a को मैं ब्रेक कर सकता हूँ साइन ऑफ 2 इंटू 2 ऑफ a के. और इन केस अगर मैं ये आइडेंटिटी अप्लाई करूं तो अगले टर्म में ये जनरेट होगा 2 टाइम्स ऑफ साइन 2a इनटू कॉस ऑफ 2a के. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा. अब चलिए आगे मूव करते हैं. दिस इज 2, ये साइन 2a को मैं फिर से सेम आइडेंटिटी से ब्रेक कर लेता हूं तो ये टर्म बनेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन a इनटू कॉस ऑफ a के. इसके बाद ये जो टर्म आपको cos 2a नजर आ रहा है इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के. रीजन वी नो इट दैट cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a, दिस इज cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के. सो नाउ दिस विल बिकम, दिस इज 4, दिस इज sin a, दिस इज sin a इनटू cos a इनटू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए के. अगर अपन फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म मेरे पास है 4 साइन ए, अगला टर्म हमारे पास बनेगा कॉस ऑफ क्यूब ए, देन आफ्टर माइनस 4 कॉस ए, दिस इज 4 कॉस ए इनटू साइन क्यूब ए के. अब आप एक बार देख सकते हैं कि जो रिजल्ट आपको प्रूव करना है वो एग्जैक्टली आपके राइट हैंड वाले पार्ट से मैच कर रहा है. तो फाइनली वी कैन राइट इट दैट sin 4a is equal to 4 sin a into cos cube a minus 4 cos a into sin of cube a k. And this is a part which we have to prove in the question.